हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शहजादा सिंह कपूर, आई एम ए बिजनेस एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे कि जो चाइना की 59 एप्लीकेशंस इंडिया ने बैन की हुई हैं, इसके ऊपर सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है। पर मैं यहाँ पर यह बोलना चाहूंगा कि मैंने काफी न्यूज देखी और मुझे लगता है कि हमारा मीडिया अनरिस्पॉन्सिबल है। द रीजन बीइंग कि लोग पिक्चर बना रहे हैं कि टिकटॉक वाले कैसे परेशान हो रहे हैं, यूट्यूब वालों को कैसे फायदा हो रहा है, और बहुत सारे वीडियो ऐसे बन रहे हैं कि YouTube वाले TikTok को चिढ़ा रहे हैं और कुछ इसको वार की तरह ले रहे हैं कि हमारी चाइना से वार स्टार्ट हो गई है। पर मैं आपको बताऊं कि इसको एक अलग एंगल से लेना चाहिए। ये 59 जो एप्लीकेशन बैन हुई हैं, ये 59 एप्लीकेशन बैन नहीं है, ये 59 अपॉर्चुनिटीज हैं जो इंडिया के यंगस्टर हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। इन 59 एप्लीकेशन को वो इंडिया में बना सकते हैं क्योंकि इंडिया का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारा मीडिया के साथ, हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रोजेक्ट करें। हम अपने यंगस्टर को गाइड करें कि इट्स ए अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम। वो देखें वो कौन कौन सी 59 एप्लीकेशन है, उसको रिप्लेस करें इंडियन एप्लीकेशन से। अभी मैं एक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहा था जो टिकटॉक को रिप्लेस कर रही है, उसने एक दिन के अंदर ही 1 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड किया। तो जो लोग काम करने वाले हैं वो तो काम कर रहे हैं, और हमारा मीडिया इसको चाइना इंडिया वार की तरह देख रहा है, और हमारे बहुत सारे बेवकूफ लोग इसको टिकटॉक और यूट्यूब के बीच में वार की तरह देख रहे हैं। उनको ये नजर नहीं आ रहा इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। खाली ये एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये तो स्टार्टअप की अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं। अब इंडिया जैसे कुछ चीजों के ऊपर और भी बैन करने वाला है। इंडिया चाइना से बहुत सारी चीजों को इंपोर्ट करता है। अगर मैं देखूं मार्केट में जो भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं, या जो भी खिलौने हैं, या जो भी लाइट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, वो सीधा चाइना से ही आ रहा है। अब ये चाइना से क्यों आता है? पहले तो चाइना की गवर्नमेंट क्लस्टर बेस्ड स्कीम को प्रमोट करती है। क्लस्टर बेस्ड स्कीम का अंदर ये होता है कि एक एक सिटी के अंदर एक एक प्रोडक्ट बनता है, तो उससे क्या होता है, स्केल ऑफ इकोनॉमी। हमारे इंडिया में यहाँ प्रॉब्लम है। हमारे इंडिया में क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री अगर लग जाए तो हम चाइना को बीट कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, हमारे पास मैन पावर भी है, और हमारे पास ब्रेन भी है। नहीं है तो हमारे पास विल नहीं है, और जिन लोगों के पास विल है गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रही। या हमारा मीडिया बेकार की न्यूज लगा के बैठा होता है, वो ये नहीं बताता कि कौन सा बिजनेस करना चाहिए। पर आई एम हैप्पी क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल अब इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। तो ये मीडिया मैंने खासकर टीवी चैनल या न्यूज़पेपर के लिए बनाया है कि प्लीज काम का की खबरों के ऊपर टाइम ना वेस्ट करें, लोगों को र्यूमर वाली खबरें ना परोसें, लोगों को समझाएं कि इंडिया को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो इंडिया में हो सकते हैं। मैं फिर बताना चाहूंगा कि अगर हमने इंडिया को आगे बढ़ाना है तो मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों, ये 59 एप्लीकेशन तो बैन हो गई है, तो मैं फिर बोलूंगा जितने भी लोग टेक एक्सपर्ट हैं वो देखें कि इन 59 एप्लीकेशन में से कौन कौन सी एप्लीकेशन को वो इंडिया में रिप्लेस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी मार्केट है क्योंकि डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी होने वाली है, खासकर इस कोरोना वायरस के कारण इसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर या कोई केस स्टडी के ऊपर आपने कुछ समझना चाहते हो, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासकर मीडिया वाले लोगों के पास, जब जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स या मिनिस्टर, वहां तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें, और लोगों को मोटिवेट करें, खासकर जो आईटी स्टूडेंट्स हैं, कि वो इन एप्लीकेशन के ऊपर काम करें, और पैसा इन स्टार्टअप में ही है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों, थैंक्स टू ऑल।